नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का संगीत प्लानेट में। जैसा कि DSSB का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, फॉर्म सबमिट हो चुका, तो अब हम लोग DSSB की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ MCQ सीरीज जाएंगे जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम हुआ है उसका MCQ रहेगा। ठीक है, तो ये जो आज के इस वीडियो में जो मैं MCQ बताऊंगा, ये पार्ट 1 रहेगा 2019। ठीक है, 2019 का जो DSSB में एग्जाम हुए थे वो उसका ये भाग है, और दूसरा पार्ट भी आएगा। तो इस तरह से 2019, 2014, 2021 जो भी एग्जाम हुए हैं उनको पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो MCQ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उसको करेंगे, देखेंगे कैसे पेपर आए थे, क्या क्या चीज़ें पूछा गया, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, साथ ही कोर्स लॉन्च हो चुका है DSSB का, जिसमें आपके जो फुल सिलेबस है वो मिलेगा, साथ ही नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, 5+ टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर्स टेस्ट भी मिलेंगे, जैसा कि आप इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो DSSB का कोर्स लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। अगर आप DSSB में हैं तो शिक्षा प्लानेट ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको कोर्स मिलेगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है आपका 2019 का, तो इसको देखते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था जो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 1/8वें मात्रा काल की एक गति पर एक स्वर का कंपन प्रकार की गमक है, किस प्रकार की, कौन सा गमक होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तिरित गमक, इसमें तीव्र गति से गमक लिया जाता है, कंपन किया जाता है, इसलिए ये पहला जो ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तानसेन किसके शिष्य थे, तो तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, ध्वनि उत्पन्न करके एक ताल में लयों को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक ताल या मतलब ताल में गिनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न करके। ठीक है, तो क्रिया, ताल की क्रिया में एक होती है सशब्द क्रिया, जो बोल करके, ठीक है, बोल करके जिसको करते हैं सशब्द क्रिया। ठीक है, और जो बिना बोले हुए मन में गिनते हैं ताल को, 1 2 3 4 धा धीन धीन धा, तो उसको निशब्द क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सशब्द क्रिया, ध्वनि उत्पन्न करके उसको गिनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तालों का अंग नहीं है, अड़ द्रुत, अति द्रुत, द्रुत, काकपद, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अति द्रुत नहीं है, अण द्रुत और द्रुत है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोमल रे को स्वर कहा जाता है, यहाँ पे खाली का स्थान है, कौन सा स्वर कहा जाएगा, तो विकृत स्वर कहा जाएगा। ठीक है, विकृत में कोमल तीव्र सभी आ जाते हैं। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक राग में 6 स्वर आरोह में और 7 स्वर अवरोह में है तो उसकी जाति क्या होगी, अवरोह संपूर्ण, साढ़ो संपूर्ण, संपूर्ण अवरोह और संपूर्ण साढ़ो। ठीक है, तो जैसे कि जानते हैं कि 5 रहेगा तो उसको अवरोह कहते हैं, ठीक है, 6 स्वर रहेंगे तो साढ़ो कहते हैं, और 7 रहेगा तो संपूर्ण कहते हैं, इसी तरह से 9 जातियां बनी है। ठीक है, औड़ो 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 साड़ो औड़ो संपूर्ण, ठीक है, साड़ो 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 साड़ो, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, तो 6 और 7 स्वरों वाला क्या कहेंगे, 6 है तो साड़ो और 7 है तो संपूर्ण, साड़ो संपूर्ण। ठीक है, साड़ो संपूर्ण, ये लिखते हुए प्रिंटिंग हो गया। अब चलिए, नीचे दिए गए 4ों में से कौन सा अचल स्वर है, तो अचल स्वर कौन कौन से होते हैं, सा और प, जो चलते नहीं है, अचल का मतलब चलते नहीं है, अपने स्थान पे ही रहते हैं, ये विकृत नहीं होते हैं, तो प हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक ध्रुपद का भाग नहीं है? तो ध्रुपद के चार भाग होते हैं, स्थायी, अंतर, संचारी, अभोग। तो ये भोग लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अभोग होना चाहिए, तो ये भोग है, तो ये जो है भाग नहीं है। वह गति जिस पर गाना गाया जाता है, वह गति, तो गति किसे कहते हैं? लय को कहते हैं। ये डी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, गति लय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मपधनी सारे गामा पधनी सा रेगा मप, ठीक है, ये तान का प्रकार है, किस प्रकार का तान है? तो तान के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें ये जो तान है वो पाल्टा है, ठीक है, पाल्टा के प्रकार में आता है। अगर कोर से जुड़े हैं तो सभी तानों के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या है, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या है, ये तो जानते ही है, 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत। कोमल गमधनी तीखे ऋषभ चढ़त गनी सुहाय ध गवादी संवादी ते कहाय राग चंद्रिका सा। ये तो जिसमें कोमल गधनी होता है, ठीक है, वो कौन सा राग है? तो भैरव में नहीं होता है, भैरवी में नहीं होता है, पूर्व में नहीं, असावरी, ठीक है, ये राग असावरी हो जाएगा। राग मियां मल्हार का थाट है, राग मियां मल्हार का कौन सा थाट है? तो वो है काफी थाट, ठीक है, राग मियां मल्हार का थाट है काफी। नी सा रेगा मग मग रेग रेसा, ठीक है, इसमें देखिए तीव्र मा का प्रयोग हुआ है, कोमल रे का, तो किस राग का है? तोड़ी, पूर्वी, पुरिया, इनमें से कोई नहीं, तो पुरिया में रे कोमल और मा तीव्र का प्रयोग होता है, ये राग पुरिया हो जाएगा। निशा म मग प मग मग रेसा, ये जो स्वर लिपि है किस राग से संबंधित है? तो ये बिहार भिमपलासी यमन काफी, तो ये जो स्वर समूह है वो राग भिमपलासी के लिए प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि किने गायक की टप्पा शैली की खोज की, किसने किया, ठीक है, यह कहा जाता है आसिफ उद अली मियाँ, गुलाम नबी, सोरी मियाँ और अली अकबर खान, तो ये भी आप लोग जानते हैं, सोरी मियाँ टप्पा के लिए प्रसिद्ध है। गायन की ठुमरी शैली के लिए लखनऊ और बनारस प्रसिद्ध है, उक्त कथन है, सत्य असत्य है, ज्ञान नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि जानते हैं लखनऊ और बनारस पूरब बाज की शैली के लिए प्रसिद्ध है, पूरब बाज में आता है ये, ठीक है, दो अंगों से गाई जाती है ठुमरी, पूरब अंग और एक पंजाब अंग, ठीक है, तो पूरब अंग में आपके लखनऊ और बनारस आते हैं, यानी कि ये ठुमरी के लिए सही है, सत्य है। अगला क्वेश्चन जो है, तंबूरे का लंबा लकड़ी वाला भाग जो तुम्बे से जुड़ा होता है कहलाता है, तो जो तंबूरे का ये यहां से जो दंड होती है इसको इसको क्या कहते हैं, यहां से यहां को दंड कहते हैं, ठीक है ना, तो ये दंड हो जाएगा। चाटी और स्याही के बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे ये तबला हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया चाटी, ठीक है, यहाँ पे चाटी होता है और ये स्याही है, ठीक है, तो चाटी और स्याही के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ये जो भाग होता है मोटा वाला जो भाग होता है उसमें उसको लौ कहते हैं, ठीक है, लौ कहते हैं, या फिर मेन वाले में उसको दुआला भी नाम से जाना जाता है, तो इसमें जो बड़ा वाला डग्गा होता है दाहिने वाला, जो दाहिने वाला भाग होता है बाया वाला भाग होता है, बाया भाग, ठीक है, सॉरी, बाया जो भाग होता है, तो उसके चाटी के बीच में जो ये भाग होता है ये वाला, इसको लौ कहते हैं, ठीक है, और जो ये दाहिना जो तबला होता है, दाहिना जो तबला होता है इसके भाग को शायद दुआला नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध माँ कर्नाटक संगीत में कहा जाता है, तो हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध माँ कर्नाटक संगीत में भी शुद्ध माँ ही होता है,
तीव्र माँ को प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का षट श्रुति धा हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में उसको कुमलनी से जाना जाता है। ठीक है, कुमलनी भी होते हैं। बीबी पंडित बीडी पलुस्कर जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे? सतारा में, मिगज में, कुरुड़वाड़ में, इनमें से कोई नहीं, तो वो कुरुड़वाड़ में जन्मे थे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए, अभिनव राग मंजरी द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया? स्वामी हरिदास अहोबाल, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बी एन भातखंडे। तो अभिनव राग मंजरी पंडित बी एन भातखंडे, कई लोगों ने लिखा लेकिन इनके प्रसिद्ध है। मेरी संगीत महाविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया, किनके द्वारा किया गया? बी डी पलुस्कर के द्वारा, बी एन भातखंडे, उस्ताद बिस्मिल्ला था, उस्ताद फयाज था। तो मेरी संगीत महाविद्यालय, ठीक है, म्यूजिक ऑफ मेरी, तो ये है बी एन भातखंडे। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। ये जो है सारे क्वेश्चन 2019 में डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए थे। ठीक है, उन्हीं का ये क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से ये 50 क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो 50 क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। किन्नरी वीणा का आविष्कार किया गया, किनके द्वारा? सारंग देव, भरत, दतिन, मतंग। तो ये तो क्लियर मुझे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मतंग है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है मतंग जी हैं। सारंग देव के अनुसार इन चारों कौन सा ऐसा है जिसमें श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है? ठीक है, सारंग देव के अनुसार इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें किसी राग को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है? तो ग्राम राग में किया गया है, भसांग राग में किया गया है, रागांग राग में किया है, कृपानग राग, ये कृपानग राग जो है ये कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके काल में थे? अमीर खुसरो किसके काल में थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो खिलजी काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में थे। अकबर के काल में वो लोग थे, तानसेन वगैरह। गोधुली और प्रातः काल गाए जाने वाले राग कहलाते हैं, गोधुली और प्रातः काल गाए जाने वाले राग क्या कहलाते हैं? तो कई बार मैं बताया हूँ, गोधुली का टाइम क्या होता है? शाम को 4 से 7। ठीक है, और प्रातः काल 4 से 7। तो इस समय जो गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? संधि प्रकाश। ठीक है, संधि प्रकाश, संधि प्रकाश। ठीक है, संधि प्रकाश राग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन संधि प्रकाश राग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। चतुर्दंड प्रकाशिका की संगीत पर रचना किसने किया? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गोविंद दीक्षित, लोचन कवि, पंडित भातखंडे, वेंकट मुखी। तो ये चतुर्दंड प्रकाशिका वेंकट मुखी जी का है। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था। राग तरंगड़ी की संगीत पर रचना है, किनकी रचना है राग तरंगड़ी? तो वो है लोचन कवि। ठीक है, लोचन कवि संगीत की रचना है इनकी। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, ताल चार ताल चौताल में मात्राएं और खंड है। तो चार ताल जो है 12 मात्रा का है, 6 विभाग होते हैं और 3 और 7 पे ताली और खाली होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ए ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, 32 तीन ताल के चौगुन में मात्राओं की कुल संख्या होती है। तो 3 ताल 16 मात्रा का होता है। ठीक है, और इसको चौगुन करेंगे तो 4 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से 64 मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ताल दादरा लयकारी में लिखा गया, ये क्वेश्चन पूरा गलत है, जो बच्चे पीपीटी बनाए हैं वो गलत बना दिए। चलिए आगे देखते हैं, ताल दादरा की लयकारी गड़बड़ कर दिए। एक ताल में खाली को पलुस्वर चिन्हांकन प्रणाली में दर्शाया जाता है। ठीक है, खाली को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर यानी दक्षिणी भारत में किस चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाता है खाली को? ठीक है, तो हिंदुस्तानी में उत्तरी में चिन्ह को खाली से ऐसे दिखाते हैं और दक्षिणी में
किससे दिखाते हैं तो दक्षिणी में प्लस से दिखाते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। और सम को ऐसे दिखाते हैं, और उधर एक जैसे दिखाते हैं, ठीक है ना, दक्षिणी में, तो ये ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए पुष्कर चिन्हांकन प्रणाली में मंद्र सप्तक के धा के रूप में दर्शाया जाता है। धा को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो मंद्र सप्तक को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है, तार सप्तक की तरह। हाँ, आप लोग उत्तरी संगीत पद्धति के स्वर दक्षिणी पद्धति के स्वर की तुलना को देख लीजिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, कौन से स्वर को दक्षिणी संगीत पद्धति में कौन से स्वर कहे जाते हैं, उनके ताल के बारे में। रागों के मूल रूप से हटकर एक समीप राग सम्प्रकृतिक राग की झलकियां दिखाना क्या कहलाता है, आविर्भाव तिरोभाव मीड़ गमक। तो जानते हैं कि मीड़ क्या होता है, एक स्वर से दूसरे स्वर को अटूट बोलना, ठीक है। सप गमक क्या होता है, गमक स्वरों का एक विशेष कंपन होता है, ठीक है, विशेष कंपन। और आविर्भाव और तिरोभाव, ठीक है, दोनों को क्या कहते हैं, तो इसमें क्या करना है कि सम्प्रकृत रागों को दिखाना है, तो तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव होता है जब किसी राग को गाते गाते कुछ समय के लिए दूसरे राग में चले जाते हैं, उसके सम्प्रकृत राग को दिखाकर फिर पुनः आ जाते हैं, तो उसको तिरोभाव आविर्भाव कहते हैं, ठीक है। तिरोभाव का मतलब दूसरे राग में जाना, आविर्भाव का मतलब कि पुनः अपने उस राग में आना, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे, तिरोभाव कहेंगे, ठीक है। अब चलिए, चारों में से कौन सा राग रागिनी वर्गीकरण में से एक नहीं है, शिव मत है ये है, हनुमत मत है ये है, ब्रह्म मत है कि नहीं, विष्णु मत नहीं है, ठीक है, तो ये आपका विष्णु मत नहीं है। ये मत को थोड़ा सा देख लीजिएगा, राग रागिनी वर्गीकरण में कृष्ण और कलीनाथ, शिव और सोमेश्वर, ठीक है, शिव और कृष्ण के मतानुसार 6 राग और 36 रागिनियां हैं, हनुमत और भरत के मत के अनुसार 6 राग और 30 रागिनियां हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप लोग देख लीजिएगा, राग राग वर्गीकरण को, स्वरों से बनी रचना परंतु किसी ताल विशेष में ना हो कहलाती है, यानी कि रचना जो ताल में ना हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अनिबद्ध गान कहते हैं, ठीक है, जो ताल में रहता है उसको निबद्ध, और जो ताल में नहीं होता है उसको अनिबद्ध कहते हैं। एक स्वर विशेष को गाते समय यदि हम एक स्वर या नीचे को जानबूझकर छूते हैं तो इसे कहते हैं, ठीक है। कोई स्वर हम गा रहे हैं, म गा रहे हैं या प गा रहे हैं, और इससे पहले एक स्वर को छू रहे हैं, तो मप गम, इसको क्या कहेंगे, कड़ कहेंगे, ठीक है। मीड़ अटूट स्वर होंगे, गमक में ये मिड़कर सभी आते हैं, इस समय आधुनिक के गमक में गमक कंपन है, एक विशेष प्रकार का कंपन है, तो गाते समय यदि हम एक स्वर ऊपर या नीचे छूते हैं तो उसको हम कड़ कहेंगे, ठीक है। अब चलिए, दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग को हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसको पूर्वांगवादी कहेंगे या उत्तरांगवादी। तो मैंने बताया है कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक इसको क्या कहेंगे, पूर्वांगवादी, ठीक है, पूर्वांगवादी कहते हैं, ठीक है ना। और 12 बजे रात से 12 बजे दिन उत्तरांग, ठीक है, अब उतरने लगता है, आवाज आपकी उतरने लगती है, ठीक है। पूर्वांग 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक को कहते हैं, क्यों, क्योंकि पूर्व भाग जो होता है हमारा, रात में शाम को हम लोग गाते हैं तो पूर्व होता है, और 12 बजे रात के बाद उतरने लगता है समय, स्वर भी उतरने लगते हैं, गला भी उतरने लगती है, तो इसलिए उसको उत्तरांग कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्वर कब उतरता है, 12 बजे रात से जब सुबह होती है तो स्वर नीचे आने लगता है, भारीपन होने लगता है, उतरने लगता है, ठीक है। तो 12 बजे रात से
उतरने लगता है तो उसको उत्तरायण कहेंगे, 12 बजे रात से दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 12 बजे से 12 बजे रात तक पूर्वांग कहते हैं, ठीक है, पूर्वांग कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूर्वांग वादी हो जाएगा, 12 बजे अर्धरात्रि से 12 बजे, सॉरी 12 बजे क्या लिखा है, दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि 12, हाँ दोपहर 12 से, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, राग तोड़ी के वादी स्वर और संवादी स्वर क्रमशः है, क्या है, ध ग ग ध ग नी और नी ग, ठीक है। तो राग तोड़ी का जो है वादी और संवादी है ध ग है, ठीक है। अब चलिए, यह कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा खोजी गई थी, तो तानसेन, गुलाम नबी, सोरी मियां, राजा मानसिंह तोमर। तो ध्रुपद गायन के लिए किसको माना जाता है, राजा मानसिंह तोमर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में तराना को कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, अब पता नहीं तान चुकस गायन, इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या फिर आप लोग देख सकते हैं कोई हो भी सकता है, क्लियर नहीं है। यदि एक तराने में मृदंगम के बोल है तो इसे कहते हैं, एक तराने में मृदंग के बोल को जोड़ेंगे तो चतुरंग बनता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। मियां मल्हार रागों का संयोजन है, किन किन रागों का, बिहाग मल्हार, कन्नड़ और मल्हार, मेघ और मल्हार, काफी और मल्हार, मेरे हिसाब से कन्नड़ और मल्हार का संयोजन है, बाकी इसको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, कोई भी सस्पेंस हो तो। तीखे रिध रेध कोमल गमनी आरोहत रिधहीन साम संवादी वादी ते चिन्ह राग छंद का सा, तो इसमें कोमल ग और नी, कोमल म, कोमल म को ही शुद्ध म कहते हैं, ठीक है, शुद्ध म और कोमल म, कोमल म, ये एक ही होता है, ठीक है, चूंकि तीव्र मध्यम है तो इसलिए इसको शुद्ध म या कोमल म भी कह देते हैं। तो ये जो स्वर दिया है इसके बारे में बात किया है वो बागेश्वरी में हो जाएगा, ठीक है, बागेश्वरी के लिए बताया गया है। राग यमन का गायन समय है, राग यमन का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है, इसका थाट जो है कल्याण है, और कल्याण थाट वाले जो भी राग है वो रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। निम्नलिखित चारों में से कौन सा संप्रकृतिक राग नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं, शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, जेत कल्याण, देशकार, तो ऐसे ही एक अलग दिखाई दे रहा है देशकार, ठीक है, ये सारे कल्याण के हैं और देशकार अलग है। तो नाद को धीमे या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने वाले की संकल्पना कहलाती है, ठीक है, तेज, तेज को क्या कहेंगे, पीच, ठीक है, पीच कहते हैं, ये ऑप्शन सही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये दिया है, प्राचीन लेखकों के अनुसार 22 श्रुतियों में रे का स्थान है, तो प्राचीन श्रुति व्यवस्था में क्या हुआ था, 1 से 22 स्वरों में श्रुति में उसके लास्टवीं श्रुति पे, ठीक है, उसके लास्टवीं श्रुति पे रखा गया था, ठीक है, इस तरह से श्रुतियों को रखा गया था, उसके अंतिम श्रुति पे स्वर को स्थापित किया गया था, तो ये सा हो गया और रे, तो ये 7वें नंबर पे है, ये सी ऑप्शन सही जाएगा। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन रहे जो DSSB में 2019 में पूछा था, ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे जो क्वेश्चन थे DSSB के ही थे। तो अगर आप DSSB में फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो शिक्षा प्लानेट ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको DSSB का कोर्स मिल जाएगा, उससे जुड़ेंगे, वहाँ पे पढ़ाई जारी है, लेक्चर जा रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर चले भी गए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं, ठीक है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, पहले से भी जानते हैं अगले जुड़े हैं कोर्स से, तो आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, लेक्चर्स नोट्स मिलेंगे, 5+ टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ ही 1000 से 500 तक MCQ मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, मैराथन मिलेंगे, ठीक है, MCQ आपको यूट्यूब पे
माध्यम से मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयारी कराई जा रही है और आपके लिए बेहद फायदेमंद है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर में और अगले एमसीक्यू में। धन्यवाद।